नमस्कार, हमारे सब्सक्राइबर हैं अजय मंडल। अजय मंडल का सवाल यह है कि सर, रुद्राक्ष पहनने के बाद में क्या हम प्याज लहसुन खा सकते हैं? मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी बैंगलोर इंडिया से हमारे चैनल का स्वागत है। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन का दबाना मत भूलिएगा। देखिए, बहुत सारे सवाल पहले भी हम आ चुके हैं कि क्या नॉनवेज खा सकते हैं, क्या शराब पी सकते हैं, क्या सिगरेट पी सकते हैं, आदि आदि। उस सभी के बारे में हमने वीडियो बना के उत्तर दिए हुए हैं। आज का विषय वस्तु यह है कि भाई लहसुन प्याज, लहसुन और प्याज का जो फल है खाने से, मतलब जो फायदे होते हैं स्वास्थ्य के लिए, ये आयुर्वेद में बताया गया है और अच्छा बताया गया है। स्पेशली गर्मी के दिनों में प्याज खाना और ठंड के दिनों में लहसुन खाना, ये आपके शरीर को, तापमान को नियंत्रण रखता है और मदद करता है। उसके अलावा भी इसमें जो केमिकल्स जो होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी होते हैं। रुद्राक्ष पहनने के बाद में क्या लहसुन प्याज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये जो आपका सवाल है कि ओनियन गार्लिक शुड वी ईट और नॉट आफ्टर वेयरिंग रुद्राक्ष, जो सवाल आपका है, तो उसमें होता यह है कि यदि आप आध्यात्मिक गति करना चाहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि जब लहसुन खाएंगे तो आपको थाड़े में ये प्रभावित करता है, पीनियल ग्लैंड को प्रभावित करता है, थाड़ाई ओपन होने में या बैलेंस होने में दिक्कतें आती हैं, ऐसे कुछ लोगों की मान्यता है। दूसरी बात यह कि यदि आप प्याज खाते हैं तो ये आपके शरीर में गर्माहट पैदा करती है और सेक्सुअल थॉट पैदा करता है और काम वासना जगाता है, इस भी ऐसा भी लोग मानते हैं। ये भी लोग मानते हैं कि ये लहसुन और प्याज दोनों तामसिक फूड हैं जो कि उत्तेजना जगाते हैं मन में, तो ध्यान करने में आपको आसानी नहीं होती है। तो ये प्याज लहसुन खाना नहीं खाना, इसका संबंध आपके आध्यात्मिक गति से हो सकती है, लेकिन यदि आप रुद्राक्ष पहन रहे हैं जीवन में काम और धर्म मोक्ष के बारे में गति करने के लिए, स्पेशली यदि आप कामकाजी लोग हैं, काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस में बिजनेस अपना है, घर द्वार चलाते हैं, आदि सांसारिक हैं, तो प्याज लहसुन से दूर रहने की जरूरत नहीं है, कोई पाप नहीं है इसमें। यदि आपका विश्वास है, आपके कोई धर्म के हैं, आपके कोई गुरु संप्रदाय के आप बिलोंग करते हैं और वहाँ आपको यदि मना है प्याज खाना लहसुन खाना, तो बात अलग है। लेकिन ये कहना है कि प्याज लहसुन खा सकते नहीं खा सकते रुद्राक्ष पहनने के बाद में, उसके जवाब में कहूँगा कि आप खा सकते हैं। आपके खान पान से, ये जो रुद्राक्ष से काम करने के तरीके जो हैं, इससे कोई द्वंद्व पैदा नहीं होता है। रुद्राक्ष के ऊपर आप आश्रित हैं, रुद्राक्ष आपके ऊपर आश्रित नहीं है। आप क्या खाते पीते हैं उससे रुद्राक्ष प्रभावित नहीं होता है, रुद्राक्ष आपके सोच को बदलता है, रुद्राक्ष आपको प्रभावित करता है, आपको इन्फ्लुएंस करता है। आप देखेंगे रुद्राक्ष पहनने के बाद में बहुत लोगों को मैंने देखा हुआ ऐसे कि उनको शराब पीने की आदतें धीरे धीरे कम होने लगती है। जो मांस मांस अगर नॉनवेज खाते हैं उनमें नॉनवेज खाने की में रुचि कम होती जाती है। तो कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं है, आप बदलेंगे तो आपके विचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे तो आप बदलेंगे। तो पहले ये कहना है कि ये चीज़ छोड़ दो, वो चीज़ छोड़ दो, तो ऐसे करके हम लोगों को रुद्राक्ष पहनने से रोक रहे हैं एक्चुअली। और हम चाहते हैं कि लोग रुद्राक्ष पहने, रुद्राक्ष के बारे में प्रचार प्रसार हो, लोग उसका धारण करें, उसका फ़ायदा उठाएं। यदि ऐसे ऐसे नियम बनाएंगे हम, ये मत करो, ये मत करो, हज़ार चीज़ मना कर दोगे आप, तो फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, आप जेमस्टोन पहनते हैं, रत्न पहनते हैं, रत्न भी तो ज्योतिष का शास्त्र का अंग है, तो वहाँ तो कोई मना नहीं करता कि मांस मांस खाना है, कि लहसुन खाना है, कि प्याज खाना नहीं है, वहाँ तो कोई मना ही होती नहीं है, तो बड़ा चलता फूलता है, लोग बहुत पहनते हैं उसको। और उसी चक्कर में जो है वो थाने भी अपने कर बैठते हैं, महंगे महंगे आप रत्न पहनते हैं, गलत सलत पहन लेते हैं, और उल्टा 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 असर आता है। रुद्राक्ष ऐसा करता नहीं है आपको, रुद्राक्ष आपको बचाता है, क्योंकि ये कन्वर्टर है, ये बैलेंसर है सभी ग्रहों को ठीक करने के लिए। तो आपके मन से ये संशय निकाल दीजिए कि रुद्राक्ष पहनने के बाद में आपको लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो इस प्रकार के कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने यार दोस्तों को, उनको सबको शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी,
आप ही की तरह भेजा हुआ कोई सवाल लेकर, तब तक आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।